हम बनाएंगे ये बढ़िया से दिखने वाली सब्जी। जाड़ों में तरह तरह की सब्जियां आती हैं, उसमें आप अपना चॉइस की सब्जियां भी डाल सकते हैं, मैंने जो डाला है वो भी डाल सकते हैं। और इतनी अच्छी कैसे तैयार होगी सब्जी, चलिए हम बताते हैं। इस तरह से मिली जुली सब्जियां ले ली हैं, जैसे मैंने गाजर, गोभी, आलू, मटर, आप अपनी मनचाही कुछ भी चीजें डाल सकते हैं। इसमें फ्रेंच बीन्स भी ऐड कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। पनीर चाहिए तो पनीर ऐड कर दीजिए, आपके उस पर डिपेंड करता है। या मक्के के दाने, अगर आपके पास कॉर्न है तो वो भी डाल सकते हैं। सभी सब्जियों को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरीके से मैं इसको हल्का सा स्टीम करूंगी, मतलब वो पूरा गलाना नहीं है लेकिन थोड़ी सॉफ्ट हो जाए सब्जियाँ। ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा टाइम बच जाएगा। सुबह सुबह में आप जल्दी भी होते हैं तो भी ये सब्जी बनाई जा सकती है। मैं उसकी ट्रिक बना रही हूँ, नहीं बता रही हूँ, नहीं तो जैसे जो जाली वाला पात्र होता है ना, अगर आपने मान लीजिए स्टीम्ड कुछ बनाया है उसके साथ ही एक जाली रख के उस पर सब्जियों को स्टीम हल्का सा कर दीजिए। पूरा गलाना नहीं है, याद रखिए इसमें वाइट रहना चाहिए, हल्का ही गलाएंगे, बाद में मसाले के संग भी इसको भूनेंगे। इसको मैं कर ले रही हूँ हल्का सा नमक, नमक के कारण सब्जियां जल्दी गलेंगी, और हल्दी, इन पे अच्छा सा कलर आ जाएगा उसके लिए। अब इसके संग इसे हम दो तीन बॉईल कर लेंगे धीमी आंच पे। इस तरह से ढक्कन लगा के अब हम इसे 3 मिनट तक बॉईल करेंगे, जिससे सब्जियां हल्की गल जाए। देखिए इसको छन्नी पे निकाल लिया है, ये सब्जियां अलग अलग हैं लेकिन गल भी गई हैं, थोड़ा गल गई हैं, हाथ से कट रहा है लेकिन उसने शेप नहीं खोया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैश हो जाए, ऐसा ही रखना है सब्जियों को। और इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल लेंगे। एक कढ़ाइया चढ़ा दिया मैंने, अब उसको गर्म कर रही हूँ। इसमें आधा चम्मच करीब देशी घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं पर मुझे देशी घी पसंद है, तो मैं देशी घी डाल रही हूँ। इसे गर्म होने देंगे, ये घी थोड़ा पिघल गया है, इस समय पे हम बटर भी ऐड कर देंगे। बटर डायरेक्ट गर्म पॉट में नहीं करना चाहिए, नहीं तो बटर जल जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस अब बटर को हम थोड़ा सा पिघलने देंगे, बटर से बहुत अच्छा मक्खनी टेस्ट आएगा। ये हरा धनिया छोटा छोटा चॉप कर लिया है, इसके हम मसाले देख लेंगे। पहले ये ड्राई मसाले डालेंगे, मक्खन और वो हमारा तेल गर्म हो गया। इसमें मैं जीरा, मेथी दाना और ये कलौंजी में डाल रही हूँ। इसको हम 2 मिनट खुशबू आने तक सौटे करेंगे। और ये जो बाकी मसाले लिए हैं उसमें मैंने ये सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची, बहुत ही बेसिक लिया है। हल्दी इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि हमने सब्जियों को बॉईल करते वक्त हल्दी और नमक डाला था, याद रखिएगा। नमक चखने के बाद एडजस्ट करेंगे, अगर जरूरत होगी तो डालेंगे। तो अब इसको हम थोड़ी देर चटकने देते हैं। हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक कूटा हुआ, प्याज और टमाटर, एक एक प्याज और टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये देखिए मैंने टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन, हरी मिर्ची को पीस लिया है एक साथ और ऐसा यूनिफॉर्म पेस्ट बना लिया है। जैसे ही जीरा चटकने लगा अब हम उसमें ये मसाला जो हमने पीस के तैयार किया उसको हम डाल देंगे। ये देखिए मसाला इस तरह से डाल देंगे और अब इसको धीमी आँच पे हम भूनेंगे। ये सारे मसाले, ये थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने ऐड किया है, मुझे याद आ गया। तो इन सारे मसालों को हम एक कटोरी में लेके थोड़ा सा पानी उसमें इसको घोल बना लेंगे। ये देखिए अब मसाला भुन गया है, खुशबू आने लगी है और अब हम इसमें ये जो सारे सूखे मसाले थे जिनको घोल बना के हमने रख लिया था, घोल में डालने से क्या होता है कि गरम कढ़ाई है तो मसाले जलेंगे नहीं। और अब इन मसालों को भी हम 2 मिनट भूनेंगे। मसाला अब 2 मिनट भुन गया है, इसमें ये जो हमने सब्जियां सौटे वो करके रखी हुई हैं स्टीम हल्की सी, उनको डाल देंगे और ये मसालों को कहीं धीमी आंच पर 2-3 मिनट इसको करेंगे। ये सब्जी देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, मैंने चख के देखा, नमक थोड़ा कम है। आप हमेशा चखने के बाद ही डालिएगा क्योंकि अपन याद रखिएगा सब्जियों को हमने नमक पर मारा था, पर मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक 1/4 चम्मच ऊपर से डाल रही हूँ और उसको भी मिला लेंगे। अब बस धनिया डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। ढेर सा धनिया डाल दीजिए क्योंकि धनिया से बहुत अच्छी खुशबू और फ्रेशनेस ऐड हो जाती है हमारी सब्जियों में। बस ये सब्जी रेडी टू सर्व। ये देखिए अब हमने इसको सर्व कर दिया है, कितनी अच्छी लग रही है ऐसे ही ना। अब इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी जो क्रीम फेंट के रखी है, मलाई घर की, वो भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी धनिया हरी, और बस ये रेडी टू सर्व है।